श्री हरि शरणम् ईवामयी से कृत सौहृदार्था जनेषु देहाम्बरवात्तिकेषु गृहेषु जायात्म जरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्च लोके नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीतय आपृणोति न साधु मन्ये यत आत्मनोय मसन्नपि क्लेशद आसदेह पराभवस्तामदबोध जातो जावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वं यावत् क्रियास्तावदिदं मनोवैर् कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः। यो लोग अपना ईश्वर प्रेम बढ़ाने के इच्छुक हैं, वे ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं जो भगवत संबंधित न हो। वे उन लोगों से मेलजोल नहीं बढ़ाते जो अपने शरीर पालन, भोजन, शयन, मैथुन तथा स्वरक्षा में ही व्यस्त रहते हैं। वे गृहस्थ होते हुए भी अपने घरवार के प्रति आसक्त नहीं होते। वे पत्नी, संतान, मित्र अथवा धन में भी आसक्त नहीं होते, किंतु उसके साथ ही वे अपने कर्तव्यों के प्रति अन्य मनस्क नहीं रहते। ऐसे पुरुष अपने जीवन निर्वाह के लिए जितना धन चाहिए उतना ही संग्रह करते हैं। जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति की लक्ष्य रख के जीवन बिताता है और इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है, तो वो भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में ही प्रवृत्त होता है। वह नहीं जानता है कि अपने विगत पाप कर्मों के ही कारण उसे यह क्षणभंगुर शरीर प्राप्त हुआ है जो दुखों की खान है। वास्तव में जीवात्मा को भौतिक देह नहीं मिलनी चाहिए थी, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसा हुआ है। अतः ऋषभदेव कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि बुद्धिमान प्राणी के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह पुनः इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में प्रवृत्त हो, जिससे एक के बाद दूसरा शरीर उसे प्राप्त होता रहता है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती तब तक उसे अज्ञान जन्य कष्ट भोगने पड़ते हैं और उसकी पराजय होती रहती है। कर्म का फल पाप अथवा पुण्य कुछ भी हो सकता है। यदि मनुष्य किसी कर्म में व्यस्त रहता है तो उसका मन सकाम कर्म में रंगा हुआ कहा जाता है। जब तक मन अशुद्ध रहता है चेतना अस्वस्थ रहती है, और जब तक मनुष्य सकाम कर्मों में लगा रहता है तब तक उसे देह धारण करनी पड़ती है। सामान्य रूप से लोग सोचते हैं कि कष्ट से छुटकारा पाने के लिए पुण्य कर्म करना चाहिए, किंतु वास्तवतः यह सत्य नहीं है। भले ही मनुष्य पवित्र कर्म करे और चिंतन मनन करे तो भी उसकी पराजय होती है। उसका एकमात्र लक्ष्य माया तथा समस्त कर्मों के चंगुल से छुटकारा होना चाहिए। जीवन की समस्याएं कोरे ज्ञान, चिंतन तथा पुण्य कर्म करने से नहीं सुलझती हैं। मनुष्य को अपने आध्यात्मिक पद को समझने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जथै धंसि समिद्धोग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी भांति हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि प्राकृत क्रियाओं के संपूर्ण बंधनों को जला डालती है।
जब तक मनुष्य आत्मा को तथा इसके कार्यों को नहीं समझ लेता तब तक वो भौतिक बंधन में ही माना जाएगा। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, ये निर्विंदक्ष विमुक्त मानिन स्वयस्वभावाद विशुद्ध बुद्धयः। जिस मनुष्य को भक्ति का ज्ञान नहीं होता वह अपने को मुक्त हुआ मान लेता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। आरुह्य कुच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृत जुष्मदंघ्रयः। ऐसे पुरुषों को भले ही निराकार ब्रह्म ज्योति प्राप्त हो जाए किंतु भक्ति का ज्ञान न होने के कारण उन्हें पुनः भौतिक सुख भोगने के लिए नीचे आना पड़ता है। जब तक मनुष्य कर्म तथा ज्ञान में रुचि दिखाता है तब तक वो भौतिक जीवन के कष्टों जन्म मृत्यु जरा व्याधि को सहता रहता है। कर्मियों को निश्चय ही एक के बाद एक देह धारण करनी पड़ती है। जहाँ तक ज्ञानियों का प्रश्न है, जब तक वे ज्ञान की पराकाष्ठा तक नहीं पहुँच पाते उन्हें इस संसार में पुनः पुनः लौटना पड़ता है। जैसा कि भगवत गीता में व्याख्या की गई है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। मुख्य बात है श्री कृष्ण वासुदेव को ही सर्वस्व मानना और उन्हें समर्पित हो जाना चाहिए। कर्मी इसे नहीं जानता किंतु ईश्वर की भक्ति में लगा हुआ भक्त सम्यक रीति से कर्म तथा ज्ञान को जानता है। अतः शुद्ध भक्त कर्म या ज्ञान में तनिक भी रुचि नहीं रखता। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। वास्तविक भक्त को कर्म तथा ज्ञान रंच मात्र भी छू नहीं पाते। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान की सेवा करना है। जय श्री कृष्ण।